पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि खबर ये आ रही है कि गुरदीप राम रहीम को दोषी ठहराया है सीबीआई कोर्ट ने। निश्चित तौर पर यह एक बड़ी खबर है। निश्चित तौर पर जिस तरह से पूरा मामला 2002 के बाद शुरू हुआ था, 2002 के बाद सीबीआई ने इस पूरे मामले की जांच की थी, सीबीआई के जांच के बाद जिस तरह से सीबीआई कोर्ट में पूरा मामला चला था, उसके बाद ये तय हो गया कि गुरदीप राम रहीम इस पूरे मामले में साध्वी बलात्कार मामले में दोषी है। एक बहुत बड़ा फैसला है, निश्चित तौर पर यह कानून की जीत मानी जाएगी। जिस तरह से पिछले 4 दिनों से पूरे हरियाणा को एक तरह से अपनी गिरफ्त में कर लिया गया था, अनुयायियों ने जिस तरह से पूरे मामले को अपना बंधक बनाया हुआ था, अदालत ने यह बता दिया है कि कानून सबसे बड़ा होता है, वो किसी भी दबाव के आगे नहीं झुकता है। कितना भी बड़ा व्यक्ति कोई ना हो, कितने भी बड़े लोगों का समर्थन क्यों ना हो, लेकिन कानून अपना काम जरूर करेगा। और ये बहुत बड़ी नजीर है अमृत उन लोगों के लिए जो अपने समर्थन जन समर्थन के बल पर कानून के साथ खेलना चाहते हैं, उन लोगों के लिए भी नजीर है जो कि अंधविश्वास में आकर All right, अजय विक्रम, let's tell our viewers that Gurmeet Ram Rahim Singh, as you were saying, has been found guilty by the CBI court. The CBI court in Panchkula has announced its verdict.